नमस्कार, मैं आयुषी जी, प्राइड ऑफ बॉर्डरलाइन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में भारत पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन का आरोप लगाया। पाकिस्तान के राजनयिक मसूद अनवर ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए चिंता का विषय है। उधर भारत ने कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सूचना समिति को भटकाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि पिछले साल यूएन में पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी ने एक जख्मी लड़की की तस्वीर दिखाते हुए दावा किया था कि उसकी ये हालत कश्मीर में पैलेट गन से हमले के कारण हुई। हालांकि बाद में तस्वीर गाजा हमले में घायल एक लड़की की निकली। कश्मीर में पत्थरबाजी केवल एक धंधा ही नहीं, आतंकियों के बचाव का जरिया भी बन चुकी है। इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित होने के बाद भी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हर वक्त उनके पक्ष में खड़ी नजर आई और यहां तक कि उनके खिलाफ नरमी बरतने की खुली पैरवी भी करती रही। इसी साल जनवरी में उनकी पहल पर हजारों ऐसे पत्थरबाजों से मुकदमे वापस लेकर उन्हें माफी दी गई थी जिन्होंने कथित तौर पर पहली बार पत्थरबाजी की थी, लेकिन बुधवार को खुद उन्हें पत्थरबाजों की निंदा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मजबूरी ने यह साबित किया कि उन्होंने पत्थरबाजों के रूप में भस्मासुरों की पैरवी की है। ऑस्ट्रेलिया के नव नियुक्त कोच जस्टिन लैंगर ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम को तभी महान कहा जाएगा जब वह भारत में टेस्ट सीरीज जीत पाएगी। इसकी तुलना उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने से की क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली बार 2004 में भारत में टेस्ट सीरीज जीती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उन शिक्षा मित्रों को भी शामिल करने का आदेश दिया है जिन्हें पूर्व में काउंसलिंग का अवसर दिया गया था। इन शिक्षा मित्रों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस आधार पर काउंसलिंग में शामिल करने से इनकार कर दिया था कि पूर्व में काउंसलिंग में उनको शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इस बार चयन सूची में नहीं रखा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए प्राइड ऑफ बॉर्डरलाइन के साथ।